हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय और आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। और 3 महीने पहले माइंडसेट को शुरू करने से पहले मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे, और वो लेने के बाद पॉजिटिव माइंडसेट किया और उसका क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि मैं कितना अर्न कर पाई और क्या था वो रेजोल्यूशन, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। बिकॉज़ चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल से जब आप कंक्रीट पे होते हुए देखते हैं ना, तो वो एक मैजिकल चीज़ें लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से। और 3 महीने पहले मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं 7 डिजिट्स अर्न करूँगी, और ये मेरा डिक्लेरेशन वीडियो था जिसको कि मैंने फेसबुक पर डाला था सोशल मीडिया में। और मैंने उस समय अनाउंस कर दिया था कि 7 डिजिट अर्न करूँगी, और तब कंडीशन ये थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने अभी तक बहुत पढ़ाई की है और सारी पढ़ाई के लिए अपने घर से पैसा लगाती रही, और जब मेरी जॉब लगी तो फिर मैंने और भी, मुझे लगा अब तो मेरी जॉब लग गई तो मैं और भी ज़्यादा खर्च करती थी, और मैंने पैसे खर्च कर दिए। और उसके बाद फिर जब मैंने शुरू किया अपना काम, तो उस समय मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब घर से बिल्कुल पैसा लेने ही लेने वाली हूँ, क्योंकि उस पैसे पे अब बच्चों का हक है और बहुत हो गया है, अपने आप पे, अपने एजुकेशन पे और अपने सारे हॉबीज़ वगैरह पे मैंने बहुत खर्च किया, और अब ना घर से नहीं लेना है, मुझे जो भी करना है खुद से करना है। तो पहले तो ये मैंने डिसाइड कर लिया था अपने आप में। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैं शुरू किया पॉजिटिव माइंडसेट, तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि रियली चीज़ें हो जाएंगी, सिर्फ सोचने से हो जाती हैं क्या, मुझे इस बात पे थोड़ा ट्रस्ट कम था। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं अच्छे से जानती हूँ कि सबकॉन्शियस बहुत पावरफुली काम करता है, लेकिन इतना काम करता है सिर्फ माइंडसेट से, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास कम था। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो करके देखते हैं, नहीं होगा तब बोलेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया और मैं रेगुलरली कर रही थी उसको, और साथ में मैं ये करती थी, जब भी मेरे को थोड़ा खाली समय में मिलता था तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि पैसा आ रहा है, पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, और ऐसा मैं सोचती रहती थी। और फिर ये हुआ कि रेजोल्यूशन लेने के बाद 2 महीने तक तो कुछ भी नहीं आया मेरे पास, और 2 ढाई महीने के बाद मुझे छोटे छोटे अमाउंट्स आने लगे। जो पहला अमाउंट आया था वो 700 था कुछ 3 डिजिट्स में, उसके बाद फिर 4 डिजिट हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो यार कुछ तो आ रहा है, तो कुछ आ रहा है। तो मैंने जब इसको शेयर किया कि अब तो मेरे पास पहली बार 4 डिजिट में नंबर आए, तो सब सुन के ऐसा कहते ये 4 डिजिट भी कोई शेयर करने की चीज़ है, तो मुझे थोड़ा लगा अरे यार कुछ भी नहीं है, कहाँ 7 डिजिट का रेजोल्यूशन लिया है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि शायद, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद 18 तारीख के पहले मेरा टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगी। बट यू वोंट बिलीव, 18 तारीख के ठीक 2 दिन के पहले मुझे 6 डिजिट अचीव हो गया, आई अर्न 6 डिजिट। एंड जब वो मेरे पास आया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और मैंने फिर उसको शेयर किया तो लोग ऐसे दंग रह गए कि कहाँ तो 4 डिजिट बता रही थी और अब एकदम से 6 डिजिट इसको मिल कैसे गया। तो फिर लेकिन फिर मैंने बताया कि हाउ आई अर्न, तो वो हुआ मेरा। और उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे आया, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम्स जो थे वो बहुत सारी जगहों से रास्ते खुल गए उसके। तो कभी इधर से आता था, इधर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो दूसरी जगह से आ जा रहा है, फिर कहीं इधर इन्वेस्ट करना है तो पहली जगह से आ जा रहा है, ऐसे करके मेरे काम आगे बढ़ने लगे। फिर उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फिर से मैंने 7 डिजिट का ही टारगेट रखा, और अभी 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए लेकिन मुझे सिक्स डिजिट भी मिल गया, अर्न कर लिया मैंने, तो अभी मैं उस बात को लेके खुश हूँ। हाँ एकदम बहुत प्राउड तो नहीं हूँ क्योंकि 7 डिजिट का टारगेट था और वो अभी अचीव नहीं हुआ, बट आई एम होपफुल, कुछ दिन अभी और बचे हैं और इनमें शायद कुछ ऐसा हो जाए कि
मेरा जो मैंने बोला हुआ है, जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाए, तो इस बात के लिए मैं कहीं पे कॉन्फिडेंट हूँ और होपफुल हूँ फुल्ली। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब मुझे हिमालय पे चढ़ना है, ये मेरी आदत भी है कि जब मुझे हिमालय पे चढ़ना होता है, और हिमालय इन द सेंस कि अगर मुझे किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो मैं उसका टारगेट हमेशा उसकी चोटी रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरे को चोटी पे चढ़ना है तो मैं पूरा दम लगाऊंगी, और दम लगा के अगर मैंने चढ़ाई शुरू की तो चोटी पे ना सही तो कम से कम आधा पहाड़ तो चढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने 7 डिजिट रखा था, बट उस समय, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, पता नहीं क्यों अंदर में ऐसा है कि आई एम पॉजिटिव कि आ जाएगा पैसा, और देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज़ माई अचीवमेंट कि मैंने 6 डिजिट 2 बार अर्न किए। और उसके बाद में मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव जरूर माइंड से जरूर कीजिए। वाई? बिकॉज कि आई एम अ पर्सन हु इज़ अ नेगेटिव पर्सन, बहुत नेगेटिव हूँ, नेगेटिव मैं मेहनत बहुत करती हूँ, और एंड मोमेंट में क्या होता है कि पूरा कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद ना मुझे एंड मोमेंट में ऐसा लगेगा अरे इसको करके क्या होगा, क्या है लाइफ में, तो कुछ है नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। और फिर मैं ना उस चीज़ से मेरा दिमाग मूव ऑन होने लगता है, मैं काम करती रहती हूँ लेकिन मेरा दिमाग मूव ऑन करता है, तो फिर वो क्या रिजल्ट भी एंड मोमेंट में ही खिसक जाते हैं। मेरे साथ हमेशा होता है ये, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल भी होने नहीं दिया, अपने दिमाग में सोच आने नहीं दी कि अरे क्या होगा, मुझे मेरे दिमाग में एक ही सोच थी मिलेगा मुझे और मुझे लाना है इस चीज़ को, और मेरा सबकॉन्शियस ने चीज़ों को अट्रैक्ट किया एंड आई गॉट दैट। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी इसके माध्यम से कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव माइंडसेट जरूर कीजिए, आपको रियली पॉजिटिव होगा। क्योंकि कई बार ज़रूरत होती है ना केवल अपने लिए बल्कि हमारे सराउंडिंग के लोग जो होते हैं ना, जो हमसे रिलेटेड होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत होती है, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग्स के सारे लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कई बार सोशल वर्क करते हैं, दूसरों की भलाई का काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमको खुद को वेल्दी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। यू नो, अपने आप के प्रति एक धर्म है हमारा, और इसके लिए हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, हमको कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, सिर्फ हमको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। और आप विश्वास कीजिए आपको बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी, आपको अच्छे रास्ते मिलने लगेंगे, और वो सारे रास्ते ऐसे मिलने लगेंगे कि आपका कहीं ना कहीं पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है ना कि अगर 4 बच्चे हैं किसी माँ बाप के और चारों में से कोई एक भी अगर गरीब है तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, तो अगर हम वेल्दी हैं तो माँ बाप को चिंता नहीं होगी बल्कि उनको सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो वैसे ही होता है कि जब भारत में इतने लोग, इतना पॉपुलेशन है, तो अगर सब मैक्सिमम या कई लोग अगर गरीब हैं तो उसकी चिंता किसको होगी, सोसाइटी को भी होगी और गवर्नमेंट की को भी होगी, और गवर्नमेंट पूरा अपना टाइम इस बात में बिता देती है कि कैसे वो सोसाइटी के लोगों को बैलेंस करें। आप में से कई लोग ट्रॉल करेंगे कि नहीं गवर्नमेंट तो ऐसे, लेकिन प्रॉब्लम तो है, हर कई लोग रहते हैं चेयर पे, रातों की नींद उड़ जाती है उन लोगों की कि भाई हमारे देश में जो पॉपुलेशन है अंडर पॉवर्टी लाइन है, तो उनको हम कैसे बैलेंस करें, और उनको बैलेंस करने के चक्कर में कई बार जो पॉलिसीज होती हैं वो समझ में नहीं आता क्या करें उनका, कई बार इम्प्लीमेंटेशन अजीब से हो जाते हैं, कई बार लोग डरते हैं अरे हमारा हाल ऐसा ना हो जाए जो उस आदमी का है तो चलो हम ले लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो डर अंदर आए ही नहीं। अगर सबको अंदर में ये सोच लेना कि हम एक दिन बहुत रिच होने वाले, तो आप हो जाएंगे, होगा ही, आप देखेंगे कहीं ना कहीं डेस्टिनी वर्क करती है, आपको बहुत सारे पॉजिटिव रास्ते खोल देगी आपके सोर्स ऑफ इनकम के। तो आप इस बात पर पूरा विश्वास रखिए, और आप जब खुद को वेल्दी कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी गवर्नमेंट रिलैक्स हो जाएगी, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फक्र करेगी, कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को, पूरे देश को, हमारी सोसाइटी को और आगे बढ़ने में हम मदद करेंगे। तो सबसे पहला धर्म होता है अपने आप के प्रति, और हमारे शास्त्रों में भी ये बोला गया है ना शिवो हम, यानी कि हम ही शिव हैं। और ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अनकॉन्शियस रियली वर्क करता है, वो इतना पावरफुल होता है कि
उसकी सोच के कारण डेस्टिनी जो है अपनी चीजों को आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से लाकर आपके सामने खड़ा कर देगी। कई बार मैंने देखा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर हम खोजेंगे हमको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेरे सामने वही वीडियो आके खड़ा हो जाता है जिस जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट को रेगुलर करेंगे ना, तो आपको जो खोजने में बहुत टाइम लगता था वो नहीं लगेगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपने खोला और तुरंत आपके सामने आ गया, आपका टाइम सेव होने लगेगा। तो चीज़ें होती हैं और चीज़ें हैं। आप जब आप पॉजिटिव माइंडसेट करने लगेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके साथ चीज़ें होने लगेंगी। और आप सब विश्वास कीजिए, भारत के सारे लोग विश्वास कीजिए, कि अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, ये सोचने लगेंगे कि मैं एक दिन पैसे वाला बनने वाला हूँ, और सोचते ही जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कभी ये सोचे कि अरे मैंने तो इतना सोचा फिर भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। मैं सोच रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता भाई, बस सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, मैं मिलियनियर बन जाऊंगा, बनूंगा, बनूंगी, आप बन जाएंगे। बिल्कुल, आई हैव 100% फेथ एंड बिलीव वट आई हैव गॉट फ्रॉम माइंड सेट। एंड आप सबको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज उसको रेगुलर कीजिए और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए। एंड ये तो बोलते ही है कि हेल्दी रहो, लेकिन मैं आप सबको विश करती हूँ कि आप सब बहुत वेल्दी रहो। मेक इंडिया रिच, इट इज द गो इट शुड बी अ गोल ऑफ पर इंडिविजुअल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, अगर आप वेल्दी होंगे तो आप खुश होंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो पूरा भारत कितना खूबसूरत हो जाएगा ना। तो मैं इस यही मनोकामना करती हूँ कि आप सबको बहुत सारा वेल्थ मिले, आप सब बहुत खुश हो जाएं, और भारत एक डेवलपिंग नहीं बल्कि फुल्ली डेवलप हो जाए। और इस विश के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए, एंड विश मी वेरी लक फॉर द नेक्स्ट अनदर 3 मंथ्स। एंड अगेन आई एम कीपिंग द टारगेट फॉर 7 डिजिट्स विद दिस होप और पॉजिटिव होप। और मुझे विश्वास है कि मुझे मिलेंगे 7 डिजिट्स, और फेयर मीन्स में मिलेंगे। मुझे उसके लिए कोई गलत रास्ता, किसी को चीट करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना ही सबकॉन्शियस मुझे लाकर देगा, कहीं ना कहीं सोर्सेस ऐसे जनरेट हो जाएंगे कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, और मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए और वेल्दी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।